ड्रिंक किसी के बाप के पैसे से। मैं बात करने जा रहा हूँ वहाज अली और सज्जल अली की वेब सीरीज के बारे में, जो देखने के बाद लोगों ने इसको बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी का शिकार बनाया और लोगों ने कहा कि इसको बंद कर दिया जाए। आखिर इसमें क्या वजह थी, क्या सीन्स थे, क्या वजूहत थी जिसके बायस लोगों ने इसको कंट्रोवर्सी का शिकार बनाया और साथ ही साथ कहा कि इस वेब सीरीज को फौरी तौर पर बंद कर दिया जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अरसान आरिफ और आप देख रहे हैं डीए एंटरटेनमेंट। डीए एंटरटेनमेंट देखने वालों को खुशामदीद। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसको करें सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर अपडेट आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात की जाए वहाज अली के बारे में और वहाज अली की फैन फॉलोइंग के बारे में, तो वहाज अली को तेरे बिन ड्रामे के बाद बहुत ज्यादा इनकी मकबूलियत शोहरत में इजाफा हुआ और लोगों ने इनको बहुत ज्यादा पसंद किया। बात की जाए दूसरी तरफ सज्जल अली की, तो पूरी इंडस्ट्री में सज्जल अली को बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है, बहुत ज्यादा प्यार किया जाता है और हर एक एक्टर और एक सीनियर एक्टर जो है इनकी मिसाल देते हैं कि अगर किसी ने एक्टिंग करनी है, किसी ने कुछ सीखना है तो वो सज्जल अली से जरूर सीखे। इतनी टैलेंटेड बच्ची कहीं पर भी मौजूद नहीं है। अब बात की जाए तो दोनों के बारे में, कि दोनों को इतनी ज्यादा मकबूलियत मिली हुई है तो लोगों ने कहा क्यों ना इन दोनों को भी मिला के एक वेब सीरीज बना दी जाए तो वो और ज्यादा चलेगी। तो फिर जाके इनकी वेब सीरीज बनी जो है द पिंक शर्ट। द पिंक शर्ट के नाम से एक वेब सीरीज बनी जिसमें क्या नाम है, इन दोनों को काम किया गया। उसमें इनका बहुत ही अजीब रोल दिखाया गया। सज्जल अली को दिखाया जा रहा है कि वो स्मोकिंग कर रही है, नशा कर रही है और साथ ही साथ अपने शोहर के साथ कुछ अच्छा बर्ताव नहीं कर रही है। अब बात की जाए जब सज्जल अली ने ये वीडियो की, सज्जल अली ने वेब सीरीज की, तो लोगों ने कहा कि सज्जल अली को ये रोल सूट नहीं कर रहा। सज्जल अली तो वो लड़की थी जो बहुत ही डिसेंट और अच्छे अच्छे कपड़े पहनती थी, मगर इस वेब सीरीज में इसने ऐसे लिबास क्यों जेबेदन किया। इसमें सज्जल अली ने विदाउट स्लीव शर्ट पहनी और साथ ही साथ स्मोकिंग करती हुई नजर आ रही थी। ना तो उसका शोर पे कोई हक था और ना ही कोई सांस पे कोई इस पर जोर चलता था। ये अपनी मर्जियां अपनी मनमानी करती थी। बात की जाए सज्जल अली के बारे में, तो सज्जल अली गरीब फैमिली से बिलोंग करती थी। बाप ने दूसरी शादी कर ली थी और ये दोनों बहनें अपनी माँ के हमरा कराची चलेगी। जब इनको पता चला कि हुमायूं सेठ की प्रोडक्शन में ऑडिशन हो रहे हैं तो इन दोनों बहनों ने ऑडिशन दिए और सिलेक्ट होगी। इनकी एक्टिंग देख कर लोग इनके फैन हो जाते हैं, लोग चाहते हैं कि हर ड्रामे में ये नजर आए। बाज़ूकात ये रोने धोने वाले रोल करती थी और लोग पसंद भी करते थे, मगर ऐसा ही ऐसा देखते ही देखते सबूर ने जब अपने ड्रेसिंग सेंस को चेंज कर लिया तो सज्जल ने अपने ड्रेसिंग सेंस को बिल्कुल भी चेंज ना किया हालात के गुजरते साथ। फिर इन्होंने क्या किया, ऐसा ऐसा चलते चलते ये मासूम लड़कियां जो शरीफ लड़कियां थी इन्होंने ऐसे लिबास जबेदन करना शुरू कर दिए, ऐसे ड्रामास बनाना शुरू कर दिए कि आप लोग दोनों बहनों को बातें करते हैं और कहते हैं कि ये दोनों बहनें जितनी मासूम है इनको इस तरह के लिबास और इस तरह के एक्टर्स जो हैं वो सूट नहीं करते। अब ये कह सकते हैं कि दोनों बहनें जब कराची गईं, कराची जाने के बाद इनके पास कुछ भी ना था और अपने भाई के साथ ही किस माह तक जॉब करती रही, अपने घर का गुजर बसर करती रही, मगर यो ही है जिसको अल्लाह रखे उसको कौन चखे। कुछ ही वक्त में इनका वक्त जो है वो बदल गया, ये एक्टिंग में आगे इनको फेम मिल गया और देखते ही देखते दोनों बहुत ज्यादा मशहूर हो गई। अब अगर बात की जाए इनके शूट्स के बारे में तो लोगों को पता चल गया, प्रोडक्शन को पता चल गया है कि ये बोल शूट भी कर सकती हैं और अब इनको बोल शूट के लिए भी हायर किया जाता है और साथ ही साथ इस वेब सीरीज को इसलिए बंद किया जा रहा है क्योंकि इसमें बहुत गलत चीज दिखाई जा रही है। लड़की स्मोकिंग कर रही है, अपने हस्बैंड की नहीं सुन रही, अपनी सास की नहीं सुन रही है और ये चीजें जो है हमारे मुआशरे पे गलत असरात छोड़ रही हैं। इसलिए द पिंक शर्ट को कहा जा रहा है कि इस वेब सीरीज को जल्द अज जल्द बंद किया जाए क्योंकि अगर इस वेब सीरीज को बंद ना किया गया तो टीन एजर्स पर बहुत बुरा इफेक्ट पड़ेगा इस तरह की वेब सीरीज का और इस तरह की मूवी का बायकॉट किया जाए। फिर जाके हमारा मुआशरा फिर सही राह पर गामजन होगा क्योंकि इस तरह की वेब सीरीज चली तो बहुत बुरे असरात नजर आएंगे। मुझे इजाजत मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।